जिन्होंने भी डिश टीवी का जिंग सुपर एफटी बॉक्स लगवाया है या फिर वो लेने की सोच रहे हैं या फिर उन्होंने ले लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं तो उसमें हम गलती क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, हम जो है सबसे पहले जब भी इस बॉक्स को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो है ये बॉक्स आपका सॉफ्टवेयर मानता है, यानी कि ये जो नया बॉक्स है दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल ब्लैंक होता है और जैसे इसको आप टीवी से कनेक्ट करेंगे तो ये जो है अपना एक सॉफ्टवेयर वर्जन को उठा लेगा, जैसे इसको सिग्नल्स मिलेंगे। अब सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए बॉक्स में सिग्नल भी आने चाहिए और सिग्नल लाने के लिए डिश एंटीने से जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें देखना होगा कि आखिर सिग्नल्स हमें इसमें कितने आ रहे हैं। अगर इसमें आपको 70% से सिग्नल नीचे आ रहे हैं तो आपको कहूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए, पर डिश को प्रॉपरली एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि सिग्नल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इसलिए चाहिए होते हैं ताकि सॉफ्टवेयर जो है बिना किसी परेशानी के आपके बॉक्स में सफलतापूर्वक अपडेट हो जाए। देखिए काफी लोग मैंने से देखे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे बॉक्स में जाने से प्रॉब्लम क्या आ गई। वो कहते हैं कि चैनल हमारे नहीं चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है या फिर कई बार ट्यूनर फेल लिखा आता है। तो दोस्तों ऐसे में उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन्होंने भी जिंग सुपर एफटी बॉक्स डिश टीवी का लिया है और वो पहली बार इस बॉक्स को टीवी के साथ लगाने जा रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उस दौरान दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि सिग्नल आने चाहिए। काफी लोग देखे मैंने जो कि जीरो सिग्नल पर ही इसको ओके स्टार्ट पर प्रेस कर देते हैं जिसके बाद आपका बॉक्स जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं ले पाता और आपके बॉक्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो उस दौरान बॉक्स खराब नहीं होता है बल्कि सिर्फ एक छोटी सी समस्या है वो आपके लिए आ जाती है। लेकिन उस समस्या को हम लाए क्यों, क्योंकि वो आसानी से हमारे लिए सुलझ सकती है। तो उसके लिए आपको यही कहना चाहूंगा कि जब पहली बार बॉक्स को अपडेट करें तो सिग्नल अवश्य देखें। चलिए देरी नहीं करेंगे, सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर भी ले जाकर समझा देता हूँ कि आपको किन सिग्नल्स पर गौर करना है। दोस्तों हमने सेटअप बॉक्स को जैसे ही ऑन किया, अपने टीवी के साथ कनेक्ट किया और डिश एंटीने के साथ केबल वायर को लगाया तो कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस मेरे सामने आया। आप देख सकते हैं कि मुझे करीबन सिग्नल लेवल 86% मिल रहा है और सिग्नल क्वालिटी मुझे 88% मैक्सिमम मिल रही है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें पहली बार जिंग एफटीए बॉक्स में तो देखिएगा कि जो सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी है वो आपके आने चाहिए। अगर वो ग्रीन नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके सेटअप बॉक्स में जो है सिग्नल्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो ब्लैंक होता है उसी पर ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आता है और आप क्या करते हैं सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से आपके बॉक्स में जो है सिग्नल अपग्रेड नहीं होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जो आपको सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी दिखाई दे रही है ये हमेशा आपके बॉक्स में आना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ब्लैंक है, 00 शो कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपको डिश एंटीने में या फिर केबल वायर को अच्छे से चेक कर लेना है या फिर अपने अगर डिसी क्विक स्विच का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको आपको स्पोर्ट में कर देना है। जैसे कि मैं डिसी क्विक 3 में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने जैसे कि इसमें करा तो देखिए मेरे सिग्नल्स आ गए। हो सकता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वो पोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसको नन कर दीजिए और आप देखिए अगर सिग्नल्स फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आपको डिश एंटीने की और सही से मरम्मत करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सिग्नल्स लेकर आने होंगे जैसे कि मेरे सेटअप बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये करीबन दोस्तों 70% से ऊपर सिग्नल्स आने चाहिए जिसको हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मानते हैं और तभी जो है हमारे चैनल्स प्रॉपरली चल पाते हैं। दोस्तों ये कुछ तकनीक होती है जब भी हम पहली बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं ताकि वो कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।